हेलो जी, राम राम। कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और भाई आज हम जा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश जी भगवान के, क्योंकि कार आने के बाद ना हम कभी मतलब फर्स्ट राइड यही है हमारी जहाँ हम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मम्मी भाभी भैया भाभी भैया हम सब जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे मोती डूंगरी गणेश जी। तो भाई ब्लॉग में नहीं रहना, और भाई जो पहले जा चुका ना मोती डूंगरी वो कमेंट में बताना कि हम जा चुके हो, कैसा मतलब कैसा माहौल है वहाँ का। आज हमारा तो फर्स्ट टाइम है। देखो हम निकल गए मतलब गाड़ी वाड़ी लेके। सो गाइस फाइनली हम पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पे पार्किंग का इतना ज़्यादा इशू है, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ और पार्किंग करने की कोई जगह नहीं है। इसलिए भाई ना मतलब देख रहे हैं अभी जगह, पहले जगह देंगे, पार्क वार्क करेंगे गाड़ी, क्योंकि ऐसे तो जाने से रहे छोड़ के। देखो आप बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज ना आने का दिन भी है ना गणेश जी के। तो जगह वगैरह ढूंढेंगे पहले, फिर चलेंगे मंदिर में। सो गाइस फाइनली गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी, मतलब जगह मिली वहाँ कर दी, तब चलते हैं मंदिर में। सो भाई आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, गाड़ी वाड़ी लॉक करेंगे तो चलते हैं। पार्किंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी पार्किंग है, फिर भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, इतनी जगह नहीं आज। और ये है मेन रोड, देख लो आप खुद ही भीड़ कितनी है। सुबह लोगों की भीड़ देखो, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मज़ा आने वाला है। जहाँ से मोती डूंगरी गणेश जी के जाएंगे और बिरला मंदिर है उसमें भी जाएंगे, कि दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस जगह है और दोनों ही पास पास है, तो मिस नहीं करने वाले कोई भी चीज़। मम्मी भाभी जी और दीदी उधर रुक गई, अब हम जा रहे हैं वापस उनके पास। हम ना बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने पहुँच गए, देखो चप्पल वप्पल खोलेंगे फिर चलेंगे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भाई मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। तो ये है शायद मेन एंटर गेट, यहाँ से एंटर होंगे हम। पहले प्रसाद वरसाद लेते हैं, अगर मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़, हद से ज़्यादा भीड़। सुबह मम्मी भाभी और भैया ना प्रसाद वरसाद ले रहे हैं, तो हमने प्रसाद लेते पहले। हाँ ले तो था भाई, जहाँ से हमने प्रसाद ली थी वहीं पे हमने चप्पल वप्पल ली खोल दी है, तो चप्पल खोने का कोई डर है नहीं, अब आराम से दर्शन करेंगे। सबके सामने प्रूफ बनाना है। और मतलब सोने का बना हुआ ऐसा लग रहा है। मंदिर का खाना बहुत अच्छा है, पुलिस पुलिस Thank you.
पूरा साइज जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। प्रसादी मिले हमको एक एक लड्डू भाई, हमें ना एक एक लड्डू मिले प्रसाद में। देखो भीड़ काफी ज्यादा, भीड़ और अंदर तो बहुत ज्यादा है। गोल्ड का मंदिर हो, पूरा सोने जैसा बना हुआ है। और यहाँ पे एंटर होने के लिए भी चार पांच गेट है, मतलब एक ही नहीं है, चार पांच गेट है, तो आराम से, मतलब कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही, लेकिन भीड़ ज़्यादा है क्योंकि आज ना भगवान जी का दिन है, इसी दिन आज लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। इस मंदिर पे मतलब दर्शन वर्शन करने वाला एक मंदिर, उसमें भी दर्शन करने सब लोग जा रहे, तो हम भी जाएंगे। ये भी शायद गणेश जी का मंदिर है। बोलो बाबा जी महाराज की जय। तो भाई फाइनली यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन हो गए, देखो कोई भीड़, यहाँ पे कम भीड़ है। चल रहा है
में फाइनली दो परिक्रमा भी पूरे हो गए, हम चलेंगे मतलब गाड़ी वाड़ी पर चलेंगे और फिर देखो भाई यहाँ पे विदेश से भी घूमने आते हैं लोग, देख रहे हो। सो गाइस दर्शन वर्शन अच्छे से हो गए, मतलब कोई दिक्कत हुई नहीं और अच्छे से तीनों जगह दर्शन कर लिए। बस भीड़ ना मेन मंदिर में थी और बाकी बस दोनों मंदिर में तो ज़्यादा भीड़ है नहीं भाई। मत दर्शन करके काफ़ी मज़ा आया भाई, मंदिर तो काफ़ी मस्त मस्त मजा आ गया दर्शन करके। देखो मंदिर अंदर से बिल्कुल गोल्ड का लगता है कि जैसे गोल्ड से बना हुआ है। देखो सर मेरे को मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और चप्पल उपले पहनते और यहाँ पे जो भी फेमस जगह वहाँ पे थोड़ा टहलते घूमते फिर चलेंगे गाड़ी की तरफ, फिर वहाँ से चलेंगे बिरला मंदिर। बिरला मंदिर यहाँ से शायद 500 मीटर दूर है, फिर चलेंगे प्रसाद जी की। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ निकली है ना यहाँ पे आइए सब देखो, फॉर्चुनर, ब्रेजा, टेम्पू और ये ब्रेजा। सब जो भी नई नई गाड़ियाँ ना वो सब यहाँ पे आई है आज मस्त वाली। तो गाइस मतलब डूंगरी वाले बालाजी है गणेश जी के तो दर्शन कर लिए, लेकिन बिरला मंदिर में जाने के लिए इतना टाइम लगा रखा तो टाइम के बाद आए, इसमें तो बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि लेकिन गेट बंद कर दिया। अब अंदर जाना पॉसिबल क्या, जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि बिल्कुल ही बंद कर दिया। यहाँ पे टाइमिंग लगा रखी है, हम टाइम के बाद आए भाई, टाइम हो गया उसके बाद आए, जो भी अब आया ना वो नहीं जा सकता अंदर। चलो अब तो क्या ही है, मोती डोंगरी वाले गणेश जी देखे और बिरला मंदिर भी देखना था भाई, लेकिन क्या ही करे नहीं है। अब तो चलेंगे डायरेक्ट सीधे घर पे। सो गाइस हर जगह ना प्रॉब्लम बहुत बताइए, सोचा था बिरला मंदिर भी देखेंगे लेकिन बिरला मंदिर तो बंद पड़ा है तो नहीं जा सकते, क्या करे करो। तब तो यहाँ से दिख रहा है कि घर पे जाना है भाई, बिरला मंदिर देखने का मन था, काफ़ी अच्छा मंदिर है, सब बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा मंदिर है लेकिन नहीं जा पाए। सो गाइस करते हैं वापस, मतलब गाड़ी वाड़ी के भी तिलक विलक करना है, तो फिर तिलक विलक करें ना गणेश। सो गाइस अंदर अंदर तो पूजा कर दिए, देखो अंदर पहले गणेश जी लगे हुए थे माला वाला लगा के। हाँ ही ना, नहीं साइड करना ही ना, आईने खींच लो, हाँ सर पकड़ दी। सो बाहर भी लगाते हैं मतलब तिलक विलक करते हैं बाहर वाली साइड। तो गाइस गाड़ी वाड़ी का पूजन कर लिया है, मतलब यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम आई है गाड़ी, तो पूजन वूजन करना बनता है, पूजन हमने कर लिया क्योंकि अंदर तो पंडित वंडित फिर वो ज़्यादा पकड़ हो जाता, पूजन वूजन हमने कर लिया, तिलक विलक लगा के माला वाला पहना दिए, पूजन हो गया। तो भाई भीड़ देखो आप, अभी भी भीड़ कम नहीं है, बिरला मंदिर तो बंद हो गया, मतलब ये गणेश जी की ये सब जो भी भीड़ आ गई। और जस्ट देखो मेन रोड भी यहीं पे, सो गाइस चलते अब तो। अरे खुले नहीं है बे, अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 260,000 लाइक्स के लिए।
कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।